आईपीएल क्रिकेट मैच शुरू होते ही सट्टेबाजों का काला कारोबार भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर सट्टेबाज आईपीएल क्रिकेट मैच में खूब सट्टा लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए एक मकान पर मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही नकदी सहित कई उपकरण भी बरामद किए हैं। लॉकडाउन के चलते काफी इंतजार के बाद आईपीएल फिर से शुरू होने पर सट्टेबाजों ने भी अपना कारोबार शुरू कर दिया है और सट्टेबाज लगातार आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टे का काला कारोबार कर रहे हैं। इसी कड़ी में संभल में थाना चंदोसी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान पर छापेमारी की, जिस दौरान पुलिस ने वहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सट्टा लगाने के उपकरण 12 मोबाइल फोन, 3 कैलकुलेटर, 1 रजिस्टर, 1 डायरी, 1 पर्चा सट्टा सहित करीब 1875 की नकदी भी बरामद की। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी क्षेत्र में आईपीएल क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाते थे। ये सभी लोग क्रिकेट मैच में एक बॉल पर 100, चौके पर 1000, छक्के पर 2000 और शतक पर 10000 के हिसाब से ऑनलाइन सट्टा लगाते थे और हार जीत की बाजी लगाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। संभल से सरफराज अंसारी की यह रिपोर्ट। अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 3 अपराधी पकड़े गए हैं। मोहल्ला कायस्थान सिकंदर बाबू सक्सेना के मकान से ये लोग वहाँ पे टीवी और मोबाइल के माध्यम से लगातार आईपीएल पे सट्टा लगा रहे थे, जिसमें 12 मोबाइल, 1875 रुपये, 3 कैलकुलेटर, रजिस्टर, डायरी, पॉकेट डायरी, पर्चा, सट्टा ये सब बरामद हुआ है। ये लोग हर बाल के हिसाब से 100 रुपये, चौके पर 1000 रुपये, छक्के पर 2000 रुपये तथा शतक पर 10000 रुपये के हिसाब से लगातार सट्टा लगा रहे थे। आने वाले समय में भी जितने ऐसे अवांछित गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और लगातार ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा।